हाँ तो भैया, स्वागत है सभी लोगों का अपनी पाठशाला में। कल हम लोगों ने डिस्कस किया था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के बारे में, आज हम लोग चर्चा करेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। यहाँ पर भी प्रमुख अंग और सहायक अंग। प्रमुख अंग में आता है यहाँ पर ओवेरीज, या उसी को हम कहते हैं अंडाशय। अंडाशय या ओवेरीज होती है एक जोड़ी, और एक जोड़ी अंडाशय मतलब संख्या में दो, और दोनों ही क्रियाशील होते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, एकांतर रूप से अल्टरनेटिव फॉर्म में फंक्शन करते हैं। अब अल्टरनेटिव फॉर्म में कैसे, तो समझिए कि ओवरी का काम है अंडाणु उत्पादन करना, एग फॉर्मेशन करना, और दूसरा है फीमेल सेक्स हॉर्मोन्स ईस्ट्रोजन फॉर्मेशन करना, है ना। तो अंडाणु बनाने के लिए समय लगता है 21 दिन का, 21 डेज का, और इस 21 डेज के टाइम पीरियड को कहते हैं ईस्ट्रस साइकिल, या इसी को कहते हैं मद चक्र। मनुष्य में रज चक्र शब्द उपयोग होता है ना, मेस्ट्रो साइकिल, या हम गाय भैंस भेड़ बकरी की बात कर रहे हैं तो मद चक्र या ईस्ट्रस साइकिल। तो पहले इसी के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मद चक्र या ईस्ट्रस साइकिल 21 डेज का है, और इस 21 डेज में इसके 4 स्टेज हैं, प्रोईस्ट्रस, ईस्ट्रस, मेटईस्ट्रस एंड डाईस्ट्रस। लॉन्गेस्ट फेज ऑफ दिस साइकिल इज डाईस्ट्रस एंड शॉर्टेस्ट फेज इज मेटईस्ट्रस। सबसे छोटी अवस्था पूछे इसमें तो मेटईस्ट्रस, और सबसे बड़ी अवस्था पूछे तो डाईस्ट्रस। लेकिन वो समय जब एक विकसित अंडाणु आगे बढ़ता है, या कहें अंडोत्सर्ग होता है, ओव्यूलेशन होता है, वो टाइम होता है ईस्ट्रस का। और ईस्ट्रस जो फेज है, ये हम कह सकते हैं 12 to 24 आवर्स की होती है, 12 से 24 घंटे, है ना। अब इस ईस्ट्रस फेज को या मध्य काल को ही कहते हैं गर्मी काल, इसी को कहते हैं हीट। हीट इसलिए क्योंकि बॉडी का टेम्परेचर 0.7 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाता है इस टाइम ड्यूरेशन में। ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। मध्य काल का समय 12 से 24 घंटे, अलग अलग एनिमल्स में ये थोड़ा सा वेरी करता है, हम मोटा मोटा याद रखेंगे 12 से 24 घंटे, है ना। और इसी टाइम पीरियड में जब अंडाणु उत्सर्जित होता है, तो इसी समय मादा पशु को नर से मिलाया जाता है ताकि कंसीव हो सके, ताकि गर्भधारण हो सके। तो अगर वो टाइम पीरियड पूछे कि टाइम ऑफ इजेक्शन, टाइम ऑफ सीमन डिपोजिशन, टाइम ऑफ इंसेमिनेशन या टाइम ऑफ कॉपुलेशन, तो हमको कहना है कि नर से मिलाने का समय क्या है, मध्यकाल के मध्य से अंत तक, मिड टू एंड ऑफ ईस्ट्रस। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है, तो मध्यकाल के मध्य से अंत तक, ठीक है। अब इसका जो पूरा अलग अलग एनिमल्स के लिए जो चार्ट है वो नोट्स में दिया हुआ है, तो पूरा डिटेल में हम अभी नहीं जा सकते यहाँ पर, लेकिन इतना याद रखना आप कि मध्य से अंत तक, मध्यकाल चाहे कितने भी टाइम का हो, उसका मिड टू एंड वाला टाइम बेस्ट होता है, क्योंकि उसी टाइम पीरियड में जो है एक मेच्योर ओवम जो है वो मिलेगा फर्टिलाइजेशन के लिए शुक्राणुओं को। इसीलिए नर से मिलाने का समय मध्यकाल के मध्य से अंत तक। फिर इसके बाद में अगर ये चक्र एक वर्ष में केवल एक चक्र पूरा हो रहा है ना, तो ऐसे एनिमल को कहते हैं मोनोईस्ट्रस एनिमल्स। तो ये लिखा हुआ है मोनोईस्ट्रस में आता है डॉग कैट। और जब एक साल में कई सारे चक्र कंटिन्यू चलते रहें, जैसे काउ बफेलो गोट शीप में अपन ने कहा है 21 डेज का साइकिल होता है और ये चलता रहता है पूरे साल, तो एक साल में जब कई सारे चक्र हो तो ऐसे एनिमल्स को कहते हैं पॉलीईस्ट्रस एनिमल्स, लाइक काउ बफेलो गोट शीप। क्लियर हो गया होगा शायद आपको, है ना। अच्छा, ओव्यूलेशन जो है, हम कह रहे हैं ओव्यूलेशन शब्द बार बार, तो ओव्यूलेशन का मीनिंग समझने के लिए पहले थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में पढ़ लेते हैं, फिर अपन जो है सेल्फ ओव्यूलेशन और इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन की चर्चा करेंगे, सुपर ओव्यूलेशन पे कुछ बातें करेंगे। तो पहले मादा जनन तंत्र में ओवरीज या अंडाशय प्रमुख अंग है जो एक जोड़ी है और एकांतर रूप से क्रियाशील है, मतलब एक चक्र में एक तरफ का अंडाशय कार्य करेगा, और जब अगले 21 दिन में जब दूसरा चक्र शुरू होगा तो दूसरा अंडाशय काम करेगा, पहला वाला आराम करेगी, है ना। तो ये फंक्शनल तो होती है लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म में होती है। फिर आगे कहा है हर एक अंडाशय का वजन 10 से 20 ग्राम होता है, साइज 1.5 × 1 × 0.5 इंच। इसको ऐसे समझिए कि 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच लंबाई, 1 इंच इसकी चौड़ाई, और 0.5 इंच है मोटाई या थिकनेस। एग्जैक्ट पूछे तो ये वाला डेटा, और रेंज में पूछे तो आपको कुछ भी नहीं करना है, प्लस माइनस 0.25 कर देना है। कैसे, 1.5 में प्लस माइनस करेंगे तो 1.25 to 1.75, ये रेंज हो गई लेंथ की। विड्थ की अगर रेंज पूछे तो 0.75 to 1.25, ये हो गई रेंज विड्थ की, और थिकनेस 0.50 to 0.75, ये नोट्स में आपको, बुक्स में आपको मिल जाएगा, है ना। लेकिन ये ट्रिक है, 1.5 गुना 1 गुना आधा, 1.5 × 1 × 0.5 इंच
साइज हो गया काऊ में ओवेरीज का। अब अपन समझते हैं सबसे क्रिटिकल होता है इसका स्ट्रक्चर, जो कि समझ में नहीं आता है और इसमें बहुत कंफ्यूजन क्रिएट होता है। ये समझ लिया तो बाकी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। ओवेरीज जो होती है, समझिए कि अंडाशय की भीतरी दीवार पर, है ना, इंटरनल पार्ट पर कई सारी कोशिकाएं हैं जिनको नाम दिया एपिथीलियम कोशिकाएं। अब कुछ लोग कंफ्यूज होंगे कि सर कल भी तो एपिथीलियम कोशिकाएं मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आपने पढ़ाई थी, वहाँ भी थी। वहाँ पर इनका काम था कि मेल जर्म सेल या कहें कि शुक्राणु कोशिकाएं बनाना, यहाँ इसका काम है अंडाणु कोशिका। मतलब जगह बदलने के साथ साथ इसका काम बदल रहा है। अभी वापस से अपने को मिल्क सिक्रीशन सिस्टम में सेम एपिथीलियम कोशिकाएं मिलेगी, वहाँ उनका फंक्शन होगा मिल्क फॉर्मेशन करना। तो कंफ्यूज नहीं होना है, जगह बदलने के साथ काम बदल रहा। तो एपिथीलियम कोशिकाएं हैं कई सारी, यही एपिथीलियम कोशिकाएं ही अंडाणु विकसित करेंगी। कैसे? तो कहा इन्हीं एपिथीलियम में से एक एपिथीलियम सेल सिलेक्ट कर ली जाती है जो कि आगे अंडाणु में बदलेगी, और उसको नरिशमेंट करने के लिए, उसको पोषण देने के लिए इसके चारों ओर कई सारी एपिथीलियम्स इकट्ठी होकर कोटिंग बनाती है, कवरिंग बनाती है। तो ये जो चारों ओर कवरिंग बन रही है, इनको कहा है ग्रेफियन फोलिकल्स। ग्रेफियन फोलिकल्स नए शब्द हैं, नए नाम हैं, लेकिन कन्फ्यूज़ नहीं होना है, एक सिक्वेंस में याद रखना। एपिथीलियम ही आगे चल के अंडाणु कोशिका में बदलेगी, और उसको बदलने के लिए, पोषण देने के लिए बाकी एपिथीलियम जो चारों तरफ कोटिंग बना रही है, उनको कहा है फोलिकल या ग्राफियन फोलिकल। अब 21 दिन तक इस एक जो बीच में सेल है, जिसको कहेंगे ऊसाइट, या वही आगे चल के ओवम या एग सेल में कन्वर्ट होगी, फुल्ली डेवलप्ड जो है होकर के यही अंडाणु बनेगी। तो ये जो कोशिका है, इसको पोषण देने के लिए चारों तरफ जो ग्राफियन फोलिकल्स हैं, इनको प्रेरित करने का काम करता है FSH। FSH का नाम ही है फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स। जैसे पहले अपन ने जर्म सेल्स को फोलिकल्स कहा था और उनके डेवलपमेंट के लिए भी FSH रिक्वायर्ड था, तो यहाँ FSH जो है ये ग्राफियन फोलिकल्स का विकास करेगा। और ग्राफियन फोलिकल्स विकसित होंगे मतलब इनके बीच में जो कोशिकाएं हैं उसका विकास भी होगा, है ना, जो पूर्ण विकसित अंडाणु बनेंगी आगे चल के। अब 21 दिन तक इनका विकास चलता है, और 21वें दिन, है ना, FSH इतना ज़्यादा बढ़ चुका होता है कि पीक पर होता है, और इसके बहुत ज़्यादा बढ़ने के कारण ये फोलिकल्स क्रैक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, और इनके क्रैक होने के कारण यहाँ रास्ता मिलता है बीच में विकसित अंडाणु कोशिका को आगे बढ़ने के लिए, और अंडाणु कोशिका को आगे ले जाने का काम करता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स LH। एक साथ कहते हैं, क्वेश्चन जब पूछा जाता है तो इस तरह से कि विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग के लिए जिम्मेवार कौन है, तो एक साथ आता है FSH LH, लेकिन एग्जैक्ट आंसर देना हमको तो LH। FSH का क्या फंक्शन है? फोलिकल्स को स्टिमुलेट करना, ना कि ओव्यूलेट करवाना या ओव्यूलेशन करवाना, तो ये ध्यान रखना। एग्जैक्ट आंसर देना हो तो LH हार्मोन्स, और FSH का काम फोलिकल्स को डेवलप करना। तो इस तरह अंडोत्सर्ग या ओव्यूलेशन होता है LH के प्रभाव से, है ना। अब अंडाणु तो चला गया यहाँ से, अब कौन बची रह गई है यहाँ? फोलिकल्स। अब बचे हुए फोलिकल्स का क्या काम? तो ये सारे फोलिकल्स आपस में जुड़कर के मटर के दाने के समान पीनट लाइक स्ट्रक्चर क्रिएट करते हैं, उस मटर के दाने के समान रचना को कहते हैं कॉर्पस ल्यूटियम। क्या कहेंगे? कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम ही आगे चल के सिक्रीट करेंगे प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन्स। प्रोजेस्ट्रॉन का फंक्शन है प्रेगनेंसी को बनाए रखना, या बॉडी के अंदर वो सारे चेंजेस करना जो जो एक जीव के विकास के लिए शरीर के लिए, शरीर में होने चाहिए। तो प्रोजेस्ट्रॉन का काम है गर्भावस्था को बनाए रखना, प्रेगनेंसी को बनाए रखना, प्रोजेस्ट्रॉन प्रेगनेंसी, इस तरह याद रखना इसको। लेकिन ये कब सिक्रीट होगा? जब यहाँ से गई हुई अंडाणु कोशिका शुक्राणु कोशिका से मिलकर के फर्टिलाइजेशन होकर के जायगोट बनाए, मतलब गर्भधारण होगा, तभी जाकर तो गर्भावस्था चलेगी। तो पहले गर्भधारण होगा और उसके बाद में कॉर्पस ल्यूटियम से प्रोजेस्ट्रॉन निकलेगा, है ना। तो प्रोजेस्ट्रॉन जब तक निकलता रहेगा तब तक दोबारा मदकाल या ईस्ट्रस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि मदकाल या ईस्ट्रस संकेत है प्रजनन का, या प्रजनन काल का, कि नया जीव पैदा करने के लिए शरीर में जो बदलाव चाहिए उसका। लेकिन यदि गर्भधारण हो गया तो अब 9 मंथ 9 डेज काऊ में, 10 मंथ 10 डेज बफेलो में, इतने टाइम ड्यूरेशन तक उस नए जीव को विकसित किया जाएगा,
है ना, इसी टाइम पीरियड को कहा है गेस्टेशन पीरियड या प्रेगनेंसी पीरियड या गर्भावस्था काल। तो जब तक एक जीव पूर्ण विकसित होकर जन्म नहीं ले लेता तब तक दूसरे की तैयारी नहीं की जा सकती, है ना। इसीलिए कहा जब तक गर्भावस्था चलेगी तब तक मद चक्र नहीं आएगा। किसके कारण? बड़े हुए प्रोजेस्ट्रॉन के कारण। क्लियर हो गया होगा शायद, नहीं हुआ हो तो रिपीट करके दोबारा से सुनिए मेरी बातों को, है ना। तो इतना क्लियर है कि अंडाणु गया, शुक्राणु आएंगे, नर द्वारा फर्टिलाइजेशन होगा और उसके बाद में बनेगा क्या, जायगोट सेल। जायगोट सेल ही बदलेगी किसमें, भ्रूण में, और भ्रूण ही आगे चल के भयू बनेगा। और जब तक ये सब चलता रहेगा, जन्म नहीं हो जाता तब तक मदचक्र नहीं आएगा। इस ड्यूरेशन में बॉडी में चेंजेस लाने के लिए, गर्भावस्था को बनाए रखने के लिए प्रोजेस्ट्रॉन चाहिए, और प्रोजेस्ट्रॉन का उत्पादन कौन करेंगे, कॉर्पस ल्यूटियम। और कॉर्पस ल्यूटियम मटर के दाने जैसी रचना कहाँ से आई है, तो जो अंडाणु को चारों ओर से घेर करके नरिशमेंट देने का काम कर रही थी उन ग्राफियन फोलिकल्स से ही कॉर्पस ल्यूटियम बना है। क्लियर। तो हम बात कर रहे थे अंडोत्सर्ग की। तो अंडोत्सर्ग या अंडोत्सर्जन एक बार में एक अंडाणु का, लेकिन FSH और प्रोस्टाग्लैंडिन F2 हार्मोन्स के यदि इंजेक्शन दिए जाए एनिमल्स को, तो एक से ज़्यादा अंडाणु कोशिकाएँ बनाने के लिए प्रेरित किया जा सकता है ना। और एक से ज्यादा अंडाणुओं का उत्सर्जन यदि करवाया जाएगा तो इसको कहते हैं सुपर ओव्यूलेशन, जो कि आर्टिफिशियल तरीके से करवाया जाता है। तो ये टॉपिक जो है आगे आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन में, है ना, आएगा, वहाँ हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट टेक्नोलॉजी में खासकर इसका यूज़ होता है, जो अभी यहाँ हम नहीं पढ़ सकते, तो आगे देखते हैं उसको। तो अंडोत्सर्ग इस तरह से चल रहा है। अब अंडोत्सर्ग एक होता है सेल्फ, मतलब कि उसके लिए चाहे मेल जो है, मेल और फीमेल कॉपुलेशन करे या ना करे, नर मादा का मिलना हो या ना हो, चाहे शुक्राणु दिए जाएं या ना दिए जाएं, हर 21 दिन पर काऊ बफेलो गोट शेप के बॉडी में एक ओवम या एक एग सेल डेवलप होती है, और इस एग सेल या अंडाणु कोशिका का उत्सर्जन स्वतः होता है। इसको कहते हैं सेल्फ ओव्यूलेशन या स्वतः अंडोत्सर्ग। ऐसे प्राणियों को कहते हैं सेल्फ ओव्यूलेटेड या सेल्फ ओव्यूलेशन वाले एनिमल्स या स्वतः अंडोत्सर्गी प्राणी, है ना। जबकि एक होता है इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन, जो कि थोड़ा सा एक्सेप्शनल केस टाइप लगता है, कि पहले नर मादा का मिलना होगा, पहले शुक्राणु कोशिकाएँ दी जाएंगी, उसके बाद मादा शरीर जो है प्रेरित होकर के अंडाणु कोशिका उत्सर्जित करेंगी। और ऐसा केवल होता है रैबिट में, खरगोश में। तो इसको कहते हैं इंड्यूस्ड ओव्यूलेशन ओनली फॉर रैबिट, बाकी सब में क्या हो रहा है, सेल्फ ओव्यूलेशन। तो इस तरह से ये हो गया प्रमुख अंग अंडाशय। याद रखना दो काम है इसका, एक तो एग सेल का फॉर्मेशन और दूसरा मादा लिंगी हार्मोन, फीमेल सेक्स हार्मोन ईस्ट्रोजन का फॉर्मेशन। ये दो काम हो रहे हैं। ईस्ट्रोजन कहाँ बनता है, तो अंडाशय में, है ना, ओवरीज में। ये क्वेश्चन आया हुआ है एग्जाम में और आप लोग गलत करते हैं इसको, ये ध्यान रखना। तो ये हो गया भैया फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का मेन ऑर्गन। इसके बाद जो बच गए ऑर्गन्स हैं और किस तरह से उनमें फंक्शन हो रहा है, वो हम पूरा डायग्राम बना के चर्चा करते हैं। तो कंप्लीट डायग्राम आपके सामने है। अभी हम लोगों ने ओवरी की बात करी, ओवरी के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ ही गया होगा। फिर से एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देता हूँ, एक जोड़ी अंडाशय है, ओवरी है, 10 से 20 ग्राम हर एक का वजन है, दोनों ही कार्यरत है, लेकिन अल्टरनेटिव फॉर्म में एकांतर रूप से, एक मद चक्र में एक ओवरी काम करेगी, दूसरी वाली आराम करेगी, दूसरे चक्र में दूसरी वाली काम करेगी, पहले वाली आराम करेगी। यहाँ से जो अंडाणु का उत्सर्जन हुआ उसको अपन ने कहा अंडोत्सर्ग। अंडोत्सर्ग होता है कहाँ पर, प्रश्न ये पूछा जाता है, साइट ऑफ ओव्यूलेशन, अंडोत्सर्ग कहाँ होता है। तो हम लोग जनरली आंसर देते हैं कि इस तरह जो स्ट्रक्चर है जो कैच करके रखने का काम कर रहा है, जिसको हमने कहा अंड वाहिनी का प्रथम भाग इन्फंडिबुलम, या इसी को हिंदी में कहते हैं निकाय, है ना। तो इन्फंडिबुलम या निकाय कैच कर रही है, ठीक है, समझना। लेकिन अंडोत्सर्ग निकाय में नहीं हो रहा है। अंडोत्सर्ग पूछे कहाँ हो रहा है, तो हमको कहना है देह गुहा में या सिलोम में। ये सारा स्ट्रक्चर जो है ये कहाँ पर है, पूरा मादा जनन तंत्र कहाँ है, पेट के अंदर, देह गुहा के अंदर, और वहीं पर अंडोत्सर्ग हो रहा है। समझिए कि ये एक अंडाणु है, ठीक है, और ये जो है ये निकाय है, इन्फंडिबुलम है। लेकिन अंडाणु केज किसने करा, निकाय ने, इन्फंडिबुलम ने, लेकिन छोड़ा कहाँ गया, इन्फंडिबुलम में नहीं, देह गुहा में।
आ रही बात समझ में? क्या एक क्वेश्चन पूछा गया है साइट ऑफ ओव्यूलेशन, आंसर आएगा उसका सीलोम, सीलोम या देह गुहा, ये नया शब्द है ध्यान रखना। फिर आगे कहा गया है कि अंडोत्सर्ग होने के बाद में इन्फेंटिबुलम कैच करती है, कैच करने के बाद में इसको बीच वाला जो टेढ़ा मेढ़ा पार्ट है यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। आगे बढ़ाने के लिए जिम्मेवार सीलिएटेड कोशिकाएँ जो पहले नरजनन तंत्र में बारातियों को, शुक्राणुओं को तरंगायिक गति से आगे बढ़ाया जा रहा था, वैसे यहाँ पर भी भैया जो है अंडाणु कोशिका, समझो दुल्हन आगे बढ़ रही है और बढ़कर के कहाँ जाएगी, एम्पुला में। पहले भी सारे बाराती एम्पुला में रुके थे ना, लिटिल डायलेटेड पार्ट एंड पार्ट ऑफ वाज डिफरेंशिया, वैसे यहाँ पर भी अंडवाहिनी का अंतिम भाग, फूला हुआ हिस्सा एम्पुला, यहाँ आकर के अंडाणु कोशिका रुकेगी। कब तक रुकेगी? जब तक कि शुक्राणु कोशिका नहीं आ जाती, बाराती नहीं आ जाते। बाराती जो है वो आएंगे इस ओर से, है ना। तो यदि पूछा जाए कि सीमन डिपोजिशन की जगह कौन सी होती है, कहाँ पर जो है वीर्य डिपॉजिट किया जाता है, इजेक्ट किया जाता है, छोड़ा जाता है, तो उसका आंसर रहेगा गर्भाशय ग्रीवा का मध्य भाग, मिड पार्ट ऑफ सर्विक्स, ये वाला हिस्सा जहाँ पर अभी प्लग लगा हुआ है म्यूकस का। म्यूकस का प्लग जो है ये गोबलेट कोशिकाएं स्त्रावित करती है और ये दो ही बार खुलता है, एक तो मध्यकाल के समय और एक जन्म के समय। तो मध्यकाल के समय जब ये प्लग खुलेगा तो पता चलेगा किसान को कि मध्यकाल का समय आ गया है। तो अभी अपन चर्चा करते हैं ना, तो यहाँ पर शुक्राणु कोशिकाएं आएंगी, यहाँ पर जो है आकर के क्या होगा, फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन मतलब कि जो है निषेचन, और निषेचन के बाद में एक नई कोशिका बनेगी जायगोट कोशिका, जो आगे बढ़ाई जाएगी और आगे बढ़ाकर पहुंचाई जाएगी गर्भाशय में। गर्भाशय के भीतरी भाग पर, भीतरी दीवार पर धस करके यहीं से वो पोषण लेगी और उसके बाद विकसित होना शुरू करेंगी, उसी को आगे चल के अपन कहते हैं भ्रूण। लेकिन भ्रूण को डेवलप होने के लिए, विकसित होने के लिए पोषण चाहिए, और पोषण उसको मिलता है एक रचना द्वारा जिसको कहते हैं अपरा या जेर या प्लेसेंटा। प्लेसेंटा समझिए कि माँ और बच्चे के बीच में एक ब्रिज का या एक जुड़न कड़ी का काम कर रही है ना। माँ के शरीर के कुछ ऊतक और बच्चे के शरीर के कुछ ऊतक, ये दोनों ही एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं जो आगे चल के आपस में जुड़ जाती, स्प्रिंग जैसी नली, उसको नाम दिया है जेर या प्लेसेंटा या अपरा, है ना। माँ के बॉडी से जो न्यूट्रिएंट्स है, जो पोषक है, पदार्थ है, जिसको कहते हैं गर्भाशय दूध, वो इसी के थ्रू बच्चे के बॉडी में जाता है, नाभि से सीधे शरीर में, है ना। तो समझते हैं कैसे। तो कहा कि गर्भाशय में ही ऊपर दो सींग के समान रचनाएं जिन्हें कहा गर्भाशय श्रृंग। गर्भाशय श्रृंग या यूटेराइन हॉर्न की लंबाई 35 से 40 सेंटीमीटर है। इन्हीं के ऊपर पीनट लाइक स्ट्रक्चर है जिनको कहा गया है कोटिलिडंस, जिनकी संख्या है 90 to 120। अब 90 से 120 ये जो कोटिलिडंस है, मटर के दाने जैसी रचना, कन्फ्यूज मत होना, अगर ओवेरी में मटर के दाने जैसी रचना पूछे तो उसे कहेंगे कॉर्पस ल्यूटियम, लेकिन वही अगर गर्भाशय श्रृंग के ऊपर पूछे तो कोटिलिडंस 90 से 120। इन्हीं से स्त्राव जो निकलता है उसको कहते हैं कोटिलिडनरी मिल्क, या उसी को कहते हैं गर्भाशय दूध, और यही गर्भाशय दूध पोषण प्रदान करेगा भ्रूण को या एम्ब्रियो को, और वही एम्ब्रियो डेवलप होगा। तो पोषक तत्व पहुंचाने के लिए ये स्प्रिंग जैसा स्ट्रक्चर है, इसके थ्रू पहुंचता है ना। तो अगर पूछा जाए कि प्लेसेंटा का प्रकार गाय भैंस में क्या है, तो कोटिलिडनरी टाइप, ये आंसर देना है कोटिलिडनरी टाइप। फिर इसके बाद में गर्भाशय का जो गर्दन जैसा हिस्सा है जिसको नाम दिया गर्भाशय ग्रीवा, ग्रीवा मतलब गर्दन, तो गर्भाशय ग्रीवा या इसी को ही कहते हैं सर्विक्स। गर्भाशय ग्रीवा या सर्विक्स वाले भाग में बीचों बीच में म्यूकस का एक प्लग लगा हुआ है ना। म्यूकस मतलब एक चिपचिपा पदार्थ, और ये प्लग या जो डॉट लगा है एक तरह से सेफ्टी वाल का काम करता है, क्योंकि यहाँ बच्चा जो है, इधर समझिए कि ये पाउच जैसा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर पानी भरा हुआ है, और उसी में ही भ्रूण जो है तैरता रहता है, यहीं पे उसका डेवलपमेंट चलता है। काउ बफेलो में अलग अलग टाइम ड्यूरेशन है, 9 months 9 days काउ में, 10 months 10 days बफेलो में, बाकी में और भी, मैं पूरा चार्ट पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ, आप लोग वो देख सकते हैं। तो ये जो म्यूकस का प्लग है ये बच्चे को समय से पहले निकलने नहीं देता, सेफ्टी वाल का काम करता है ना, जिसको स्त्राव करती है गोबलेट कोशिकाएं। अब ये जो म्यूकस का प्लग है या डॉट है, ये दो ही समय पे खुलता है, एक तो मध्यकाल के समय और एक जन्म के समय। अब मध्यकाल या ईस्ट्रस के टाइम पर, जब हीट पीरियड में, जब ईस्ट्रोजन हार्मोन्स बढ़ता है, तब हार्मोनल चेंजेस के कारण ये प्लग खुलता है और यहाँ से स्त्राव बाहर होता है। तो जब भगशेफ या वल्वा से बाहर जब स्त्राव होता है, किसान या जो भी पशुपालक है वो देखता है कि अच्छा, बॉडी से बाहर स्त्राव हो रहा है, मतलब पशु में गर्मी का या मध्यकाल का समय आ गया है,
अब इसमें प्रजनन का टाइम आ गया है, अब इसको या तो डेयरी फार्म पर ले चले आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन के लिए, या फिर इसको नर के पास ले जाया जाए प्राकृतिक रूप से गर्भाधान के लिए, है ना। तो एक तो ये तरीका हुआ, दूसरा अब गर्भधारण हो गया है, गर्भावस्था चल रही है, गर्भावस्था जब पूर्ण हो जाएगी तो पता कैसे चलेगा, तो फिर वापस ऑक्सीटोसिन हार्मोन्स बढ़ने लगता है। बछड़े के जन्म दिलवाने के लिए ज़रूरी होता है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, दूध के उतरने के लिए, लेट डाउन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीटोसिन हार्मोन, है ना। प्लेसेंटा के शरीर के बाहर निकालने के लिए भी ऑक्सीटोसिन हार्मोन चाहिए, मतलब कुल मिला के दूध निकालना हो, बच्चे को बाहर निकालना हो या प्लेसेंटा निकालना हो, क्या आएगा, ऑक्सीटोसिन हार्मोन। तो उसके प्रभाव से यहाँ फिर से ये प्लग खुलने लगता है, और जब प्लग खुलता है तो बाहर की तरफ स्त्राव होता है, स्त्राव देख के जो है फिर समझ में आता है कि गाय में जो है हैप्पी बर्थडे का टाइम आ गया है, अब नए बच्चे को जन्म दिया जाएगा, उसका ख्याल रखना शुरू कर दिया जाता है। 24 घंटे में कभी भी जो है बच्चे का जन्म हो सकता है, वो पता चलता है म्यूकस का स्त्राव देख करके। तो कहा दो बार, एक तो जन्म के समय और एक मध्यकाल के समय स्ट्रेस के टाइम पे। आई थिंक आप लोगों को ये क्लियर हो गया होगा, है ना। अब जब जन्म होता है तो ये प्लेसेंटा टूट जाती है ना, प्लेसेंटा का डिटैच होना और फिर उसका बाहर निकलना, ये किसके कारण होता है, ऑक्सीटोसिन के कारण होता है, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखिएगा। अच्छा, प्लेसेंटा के बारे में, जेर के बारे में, मालवा निमाड़ के अगर लोग होंगे मध्य प्रदेश के, तो यहाँ पर उसको जेर या जड़ शब्द कहते हैं, अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग नाम लिया जाता है, यूपी बिहार में भी जेर कहते हैं उसको, है ना। और कोई इस वीडियो को देख रहे हो तो बताइए आपके क्षेत्र में इसको क्या कहते हैं। तो जेर या प्लेसेंटा के बारे में आपने कॉमन चीज़ देखी होगी, पशुपालन यदि आपके आसपास होता होगा या घर में किसान के बच्चे होंगे तो घर में भी देखा होगा कि बछड़े का जन्म हो जाए उसके बाद घर के बच्चों को खासकर, क्योंकि वो फ्री रहते हैं, उनको बोला जाता है कि भैया यहीं बैठना जब तक ये जड़ या जेर ना डाल दे, ध्यान रखना, नहीं तो जो है कोई कुत्ता या कोई जानवर ना खा ले या खुद पशु ना खा ले। तो अब आप लोगों के दिमाग में क्वेश्चन आता होगा कि काउ बफेलो तो जो है वेजिटेरियन है, फिर ये अपनी ही प्लेसेंटा अपनी ही जेर क्यों खाएगी, है ना। अच्छा, फिर खा भी लेगी मान लो तो ये मर क्यों जाएगी, मरने का तो सवाल ही नहीं उठता, ऐसा क्या है। तो अगर आप पूछते भी होंगे जेर खाने से क्यों मर जाएगी, तो कहते हैं इसमें जहर होता है। फिर क्वेश्चन, बाल मन होता है बच्चे का दिमाग, फिर क्वेश्चन आता है कि अगर जहर होता है तो ये पहले से इसके बॉडी में से ही निकला है, तब क्यों नहीं मर गई, जब भी तो शरीर में था ये। तो उसको थोड़ा सा समझ लेते हैं अपन कि जेर या प्लेसेंटा जो है ये बनी हुई है हाईली प्रोटीन की, या समझिए कि ऐसे प्रोटीन की जिसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम काउ बफेलो गोट शीप के बॉडी में नहीं है, इसीलिए प्लेसेंटा निकलने के बाद में उसको खाने से रोका जाता है। पहली बात तो ये कि खाया क्यों जाता है जानवर द्वारा, इसलिए खाया जाता है कि प्रेगनेंसी खत्म होने के बाद जब बच्चे का जन्म होने का टाइम आता है उस टाइम ड्यूरेशन में काउ एनिमल कुछ भी नहीं खाते। अब जब कुछ भी नहीं खाती जब तक बच्चे का जन्म ना हो जाए, जन्म दिलवाने में 4-5 या इससे भी ज़्यादा टाइम लग सकता है कभी कभी। तो इस टाइम ड्यूरेशन में जब कुछ भी नहीं खाएगा तो भूखा है, जो बॉडी की एनर्जी थी वो उसको बर्थ देने में, जन्म देने में खर्च हो गई, है ना। ऐसे में जन्म देने के बाद पूरा पेट पिचक चुका है, आंतें पूरी खाली है, भूख लगी हुई है, एनर्जी है नहीं शरीर में, और जब तक प्लेसेंटा नहीं निकल जाती तब तक वो खाती नहीं है, जनरली ऐसा होता है ना। अब जब प्लेसेंटा नहीं निकल रही है वो कुछ खा नहीं रही है, जैसे ही प्लेसेंटा बॉडी के बाहर निकलती है, डिटैच होती है, उसको कुछ खाने को चाहिए। अब उस टाइम पे यदि उसको कुछ खाने को ना मिले तो वो अपनी प्लेसेंटा खा लेती है जल्दी से। अब प्लेसेंटा खा ली तो क्या हो गया सर, उसको वोमिट कर देना चाहिए। तो ध्यान रखिए, रोमिनेंट्स नेवर वोमिट, कभी भी रोमांथी पशु उल्टियाँ नहीं करते, है ना। तो दूसरी बात है सर, उसको बॉडी के बाहर जो है वो डंग से, पोटी से बाहर निकाल दे, नहीं निकाल सकती क्योंकि उसके लिए डाइजेशन ज़रूरी है, और प्लेसेंटा डाइजेस्ट नहीं हो पाएगी क्योंकि वो जिस प्रोटीन की बनी है उसको डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम इनके शरीर में नहीं है। तो क्या सभी जीव में ऐसा होता है, नहीं। आपने कुत्ता बिल्ली को देखा होगा, इनकी प्लेसेंटा आपने कभी नहीं देखी होगी। बिल्लियाँ गाँव में घरों में ही बच्चों को जन्म देती है पर उनकी प्लेसेंटा नहीं दिखती, वो खा लेते हैं। कुत्ते जो हैं, मादा कुतिया जो है वो खा लेती है प्लेसेंटा, क्योंकि उनके बॉडी में जो है डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम बन रहे हैं, क्योंकि स्वभाव से ही जो है वो मांसाहारी जीव है, तो उनके शरीर में वो एंजाइम बनते हैं जो उस प्रोटीन को पचा सके जिस प्रोटीन की ये प्लेसेंटा बनी। पर काउ बफेलो में ऐसा नहीं होता, इसीलिए उस प्लेसेंटा को जल्दी से हटाया जाता है, हटाकर गड्ढा खोदा जाता है, उसमें ब्रीड किया जाता है, गाड़ दिया जाता है, ताकि उसको कोई दूसरा जानवर भी ना खा ले, है ना, गाय भैंस भी ना खाए, दूसरा जानवर भी ना खाए, है ना, ताकि उसके साथ भी ये घटना ना हो जाए। तो इस तरह से प्लेसेंटा को डिस्ट्रॉय कर दिया जाता है। तो शायद आपको ये पूरी कहानी समझ में आ गई होगी, जो भ्रांतियाँ हैं वो भी क्लियर हो गई होगी। तो इस तरह से प्लेसेंटा फंक्शन कर रही है ना।
तो सर्विक्स या गर्भाशय ग्रीवा वाला जो भाग, इसका मध्य भाग में लगा है म्यूकस का प्लग, जो कि बच्चे को समय से पहले निकलने से रोकता है, क्योंकि समय से पहले निकल जाएगा तो वो मर जाएगा। इसी को कहते हैं मिसकैरेज होना, गर्भपात होना। तो उससे बचाने के लिए लगा हुआ जो प्लग है उसको नाम दिया म्यूकस का प्लग, जो कि गोबलेट कोशिकाओं का स्त्राव है, है ना। लेकिन जन्म के समय यह प्लग जब खुलता है तो इस पूरे रास्ते की क्लीनिंग करते हुए आगे जाता है, एक तरह से एंटीसेप्टिक नेचर का है ना। तो कोई भी सूक्ष्म जीव यहाँ हो तो उन सबको ख़त्म करते हुए रास्ता साफ करेगा जो भी नया मेहमान आ रहा है उसके लिए। अगला जो अंग है, लचीला पेशी ऊतकों का बना हुआ मस्कुलर पार्ट है, जिसको नाम दिया है वजाइना या योनि, जिसकी लंबाई है 25 से 35 सेंटीमीटर, है ना। इसी को कहते हैं जन्म नलिका। एग्जाम में पूछा गया प्रश्न है, जन्म दिलवाने के लिए प्रमुख अंग है जन्म नलिका, ठीक है। फिर अगर पूछे कि मादा जनन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है तो ओवरीज, अंडाशय। लेकिन सहवास का प्रमुख अंग क्या है तो वजाइना, योनि, ये याद रखना। और इसी का ही आउटर पार्ट जो बॉडी के बाहर खुलता है, जो कि टेल के नीचे होता है, पूंछ के नीचे की तरफ, ध्यान दीजिए पूंछ के नीचे एनस वाले पार्ट के पास में, है ना, जो पार्ट होता है बाहर जो दिखता है उसको कहते हैं वल्वा या भगशेफ। वल्वा या भगशेफ में दोनों ओर लिप्स जैसा स्ट्रक्चर निकला, जिनको कहते हैं वल्वा लिप्स या भगओष्ठ। उनके ऊपर जो रोम होते हैं, जो हेयर्स होते हैं, उनको कहते हैं स्पर्श रोम या टेक्टाइल हेयर। काम की बात यह है कि इसी में एक अंग होता है जिसको कहते हैं नॉन फंक्शनल ऑर्गन रिप्रेजेंट लाइक पेनिस ग्लांस ऑफ मेल, है ना, और उसको कहते हैं क्लाइटोरिस या भगशिश्न। अक्रिय अंग, अक्रियाशील अंग, है ना, जो कि पशु में सेंसेशन के लिए, उत्तेजना के लिए जिम्मेवार है, क्लाइटोरिस, ये ध्यान रखना, ये पूछा गया प्रश्न है। तो ये सारी ही चीज़ें आपको क्लियर होंगी, डेटा आप लोग भूलेंगे तो याद रखना। यहाँ मैंने ट्रिक आपको बताई है ओवरी के बारे में, इसकी लेंथ, विड्थ और थिकनेस 1.5 × 1 × 0.5, है ना, डेढ़ गुना, एक गुना आधा। फिर इसी तरह लंबाई पूछी गई है अंडवाहिनी की, है ना, ओविडक्ट की, तो लंबाई है 20 से 25 सेंटीमीटर और इसका व्यास है 0.1 सेंटीमीटर, या इसी को कहते हैं 1 मिलीमीटर। अब ये मत सोचना कि सर अंडाणु कैसे निकलेगा, अंडाणु मतलब एक कोशिका है जो आंखों से भी नहीं दिखती, तो वो 0.1 सेंटीमीटर से भी निकल जाएगी, है ना। तो यहाँ अंडवाहिनी 20 से 25 सेंटीमीटर, तो आंकड़े आप एक साथ ऐसे याद रखना, 20 से 25, 25 से 35, 35 से 40, 20 से 25 ओविडक्ट की, 25 से 35 वजाइना, और 35 से 40 जो है वो यूट्राइन हॉर्न या गर्भाशय श्रृंग। तो ये हो गया पूरा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। इसमें और कोई क्वेश्चन या क्वेरी आपके दिमाग में हो जो नहीं क्लियर हुई हो, या लग रहा हो कि इसके बारे में और कुछ जानना है, तो आप लोग पूछ सकते हैं, है ना, और कमेंट कर सकते हैं। नया चैप्टर हम लोग शुरू करेंगे, काफ़ी लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि फीडिंग वाला चैप्टर पढ़ना है पहले, तो अपन फीडिंग स्टार्ट करते हैं। इसके बाद में हम लोग जो है ब्रीडिंग और ब्रीड्स वाले चैप्टर को स्किप करते हैं और सीधे फीडिंग पे आते हैं, है ना। तो फीडिंग वाले चैप्टर को आप लोग थोड़ा सा पढ़िए, इसमें जो भी क्वेश्चन आपके कलेक्शन में ऐसे लिखे हों जो आपको कंफ्यूज कर रहे हों, तो आप कमेंट्स करिए और एग्ज़ाम की बढ़िया तैयारी करिए। 15-16 सितंबर को आपकी एग्ज़ाम है, कंफर्म है, जो कि आगे अभी तक नहीं बढ़ी है और ना ही आगे अभी बढ़ेगी, ठीक है। बाकी कन्फ्यूज नहीं होना है, बढ़िया मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खूब सारा पढ़िए, सभी को गुड लक। आज के लिए इतना काफ़ी है। और हाँ भैया, सब्सक्राइब जरूर करना अगर नहीं किया हो तो, इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करना। जल्दी ही आपको एक सरप्राइज़ न्यूज़ मिलने वाली है, ठीक है, कि बड़ी थोड़ा सा आपको हिंट दे देता हूँ। एग्रीकल्चर में एक समस्या है, सबसे बड़ी समस्या, यहाँ लोग आते तो हैं बड़े ज़ोर शोर से कि एग्रीकल्चर में एडमिशन लेंगे, लेकिन जब एडमिशन ले लेते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाता है या फिर प्राइवेट से भी डिग्री कर लेते हैं, उसके बाद क्या, आफ्टर ग्रेजुएशन क्या करेंगे, फिर जॉब नहीं है, काम नहीं है, क्या करें। तो भैया, सबसे ज़्यादा जॉब, सबसे ज़्यादा बिजनेस के जो ऑप्शन है वो एग्रीकल्चर में है, लेकिन उन सारे के सारे बिजनेस को रन कर रहे हैं नॉन एग्रीकल्चर, नॉन टेक्निकल लोग। कारण है, हमारे लोगों के लिए कोई रास्ता ही नहीं है, कोई सुगम रास्ता नहीं है, एक प्रॉपर वे ही नहीं है उनको बताने वाला कि आप कैसे इसको इम्प्लांट कर सकते हैं। तो एक बढ़िया टीम के साथ में हम लोग प्लान कर रहे हैं ऐसा कि कोई भी व्यक्ति जिसने एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लिया, तब से लेकर के वो जॉब ना करने लग जाए, वेल इस्टेब्लिश ना हो जाए, तब तक के लिए हर एक कदम पर उसकी हेल्प कैसे की जा सकती है। तो ऐसे लोगों को जोड़ने का काम शुरू हो गया है ना।
तो 11वीं में आप एग्रीकल्चर सब्जेक्ट लेते हैं, तब से लेकर पीएटी की, अगला स्टेप होता है पीएटी का तैयारी करना या फिर आईसीआर की प्रिपरेशन करना। देन कॉलेज मिलता है, कॉलेज के बाद में कुछ लोग जेआरएफ की प्रिपरेशन करते हैं, कुछ बैंकिंग में जाना चाहते हैं, है ना, कुछ लोग बिजनेस करना चाहते हैं, है ना, बिजनेस में कई लोग डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं, गोट फार्मिंग करना चाहते हैं, या फिर पिगरी करना चाहते हैं, या फिशरीज़ में जाना चाहते हैं, या फिर प्रोडक्शन में हम बात करें तो हनी प्रोडक्शन हो सकता है, हनी बी फार्मिंग हो सकती है ना, या फिर अपना मशरूम कल्टीवेशन हो सकता है। तो इन सारी ही चीज़ों को एक ही प्लेटफॉर्म से कैसे प्रोवाइड करवाया जाए, इसकी प्लानिंग चल रही है। तो आप लोग या आपके कोई और भी जो साथी हैं जो चाहते हैं कि हाँ आपको इस तरह की मदद चाहिए है या चाहिए होगी, तो इसके लिए आप लोग हमसे प्रश्न कर सकते हैं, आप लोग हमें सुझाव भी दे सकते हैं। अगर आपके कोई संपर्क में ऐसे लोग हों जो कि इस तरह के ट्रेनिंग प्रोग्राम्स करवाते हों तो भी आप हमको पर्सनली बताइए। मेरा नंबर आप जानते ही हैं, 9691829192। मैं फिर रिपीट करता हूँ, 9691829192। तो इस पे आप हमको इन्फॉर्म कर सकते हैं कि यहाँ यहाँ ये फैसिलिटीज़ हैं, ये लोग करवाते हैं। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जो स्वयं करना चाहता हो कि हाँ मुझे डेयरी फार्मिंग में जाना है, मुझे फ़िश फार्मिंग करना है, या मुझे जो है मशरूम कल्टीवेशन कैसे करें ये सीखना है, या फिर किसी और क्रॉप का कल्टीवेशन सीखना है, तो उसके लिए भी आप हम लोगों से संपर्क कर सकते हैं। इस तरह की चीज़ों वाले लोग धीरे धीरे जुड़ते जा रहे हैं, हम आपको उनका कॉन्टैक्ट नंबर प्रोवाइड करेंगे, आपको सीधा बताएंगे, आप वहाँ जाइए, और जो नॉमिनल उनके चार्जेस है उसमें आपको हमारे थ्रू जाने पर उसमें भी आपको कुछ लेस करके प्रोवाइड की जाएंगी सारी चीज़ें। तो इस तरह का प्रयास जारी है ताकि एग्रीकल्चर में जो भी लोग आएँ उनको एक पूरा रास्ता मिल सके, है ना। अधिकांश क्या होता है कि जाते हैं कोचिंग इंस्टीट्यूट में, एडमिशन लेते हैं, कोचिंग वाला आपसे पैसा लेता है, बात खत्म हो गई, आप कोचिंग करो, सिलेक्शन हो नहीं हो आप इसके बाद कोई बात मत करिए कोचिंग के अलावा। लेकिन हम चाहते हैं कि बच्चा यदि हमसे जुड़े, कोई हमारे पास यदि आए, कोचिंग से लेकर के, कॉलेज से लेकर के, उसकी जॉब तक की जिम्मेवारी हमारी है ना। जहाँ जहाँ हम हेल्प कर सकते हैं अपने पूरे कॉन्टैक्ट्स उसके लिए अवेलेबल हैं। तो बहुत जल्दी इसके लिए एक प्रॉपर तरीके से एक इंस्टीट्यूट के फॉर्म में जल्दी ही शुरुआत की जाएगी, है ना। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। और काफ़ी लोग बोल रहे हैं कि सर क्रॉप प्रोडक्शन के लिए, तो भैया क्रॉप के भी लेक्चर बहुत जल्द आप लोगों को मिलने वाले हैं आने वाले टाइम में, ठीक है। कुछ लोग प्राइवेट कॉलेज के लिस्ट मुझसे चाहते हैं, नाम मुझसे चाहते हैं, तो आप परेशान मत होइए। ज़रूरी नहीं है कि आप लोग अपने गांव से इंदौर ही डिग्री करने के लिए आए, आप जिस क्षेत्र में हैं वहाँ जो बेस्ट ऑप्शन अवेलेबल है आप उसकी तरफ भी आप जा सकते हैं, है ना, अगर प्राइवेट में आप जाना चाहें तो। बाकी प्राइवेट के क्या पॉजिटिव पॉइंट है क्या नेगेटिव पॉइंट है वो मैं अपने लेक्चर्स में, पिछले वीडियो लेक्चर में आपको बता चुका हूँ। आप लोग यदि इससे रिलेटेड और कोई बात अगर जानना पूछना चाहते हैं तो मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं मेरे नंबर पर। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। मस्त 15-16 को पीएटी की तैयारी है, उसके लिए प्रिपेयर रहिए, मेंटली स्ट्रांग रहिए। सभी लोगों को गुड लक, थैंक यू।